Hello and welcome. This is the part 2 of this chapter, Liberty. Let's begin the chapter. Liberty. The word liberty derived from the Latin word liber, which means free. Broadly speaking, liberty is the ability to do as one's please. किसी भी व्यक्ति को के लिए वह सब कुछ करना जिससे वह प्रसन्न रह सके, खुश रह सके, उसका मतलब लिबर्टी है. मॉडर्न पॉलिटिक्स के अंदर लिबर्टी का मतलब किसी पर्सन की उसकी लाइफ पर, उसके बिहेवियर पर, उसके पॉलिटिकल व्यूज के ऊपर अगर कैसे भी ऑपरेशन रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, इसका मतलब ये लिबर्टी नहीं है. यानी लिबर्टी का मतलब मॉडर्न पॉलिटिक्स में किसी भी व्यक्ति के जीवन और उसके बिहेवियर और पॉलिटिकल व्यूज को फ्री होना चाहिए ऑपरेसिव रेस्ट्रिक्शन से. इन दिस सेंस द एक्सरसाइज ऑफ लिबर्टी इज सब्जेक्ट टू कैपेबिलिटी एंड लिमिटेड बाय राइट्स ऑफ अदर. सब्जेक्ट टू कैपेबिलिटी यानी कि वो कुछ करने की क्षमता है, एंड इट इज ऑल्सो लिमिटेड बाय द राइट्स ऑफ अदर, और ये अदर लोगों के राइट से लिमिटेड भी होती है. इसका मतलब ये अनलिमिटेड नहीं हो सकती है. आज की मॉडर्न पॉलिटिक्स में इसका मतलब यही है. Thus, liberty make necessary the responsible use of freedom under the rule of law without depriving anyone else of their freedom. Liberty, freedom के मीनिंग को और responsible बनाती है. इस मायने में कि rule of law के अंतर्गत कानून के शासन में without depriving anyone else of their freedom, किसी भी व्यक्ति से उसकी freedom लिए बिना आपको freedom दी जा रही है, आपको liberty दी जा रही है. Freedom is more broad in its present and total lack of restraint. फ्रीडम का मतलब किसी भी प्रकार का कोई सा भी रिस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, और अनरिस्ट्रेंट एबिलिटी टू फुलफिल वंस डिजायर यानी कोई व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जो वो कुछ करना चाहता है वह वो कर सकता है. लिबर्टी कैन बी टेकन अवे एज फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, पर लिबर्टी ली जा सकती है पनिशमेंट देकर. इन मेनी कंट्रीज पीपल कैन बी डिप्राइव ऑफ देयर लिबर्टी इफ दे आर कंसीव्ड ऑफ क्रिमिनल एक्ट. अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है किसी देश में तो एज ए पनिशमेंट उसकी लिबर्टी ले ली जाती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है. The word liberty is often used in slogans. Liberty को हम कई बार slogans में भी use करते हैं, जैसे life, liberty and pursuit of happiness, और liberty, equality and fraternity. ये slogan आपको मालूम है, famous slogan है जो French Revolution के दौरान दिया गया था 1789 में. So, features of liberty. Liberty does not mean the absence of all restraint. In the modern politics, liberty का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर कैसे भी कोई से भी restraints नहीं होने चाहिए. अगर ऐसा होगा तो आप किसी अदर पर्सन की फ्रीडम को छीन सकते हैं. लिबर्टी एडमिट्स द प्रेजेंस ऑफ रैशनल रेस्ट्रेंट एंड द एब्सेंस ऑफ इरैशनल रेस्ट्रेंट. लिबर्टी का मतलब आपके ऊपर रैशनल लॉजिकली रेस्ट्रेंट लगाए जाते हैं, यानी जो लगाया जाना जरूरी है, और ऐसे जो कि इरैशनल रेस्ट्रेंट है उनको हटाया जाता है. और लिबर्टी ऐसी कंडीशंस की मांग करती है जहां पर कोई व्यक्ति अपने राइट्स को एंजॉय कर सके और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके. लिबर्टी इज नॉट अ लाइसेंस टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. It means the freedom to do only those things which are considered worth doing or worth enjoying. Liberty का मतलब ये नहीं है कि आप कैसा भी कुछ भी कोई भी काम कर सकते हैं. इसका मतलब ऐसा जो कार्य जिसकी कोई उपयोगिता सिद्ध हो, जो करना जरूरी है, ऐसे ही कार्य करने की हमें इसमें आजादी मिलती है. Liberty is possible only in a civil society and not in a state of nature of state of jungle. Liberty केवल सिविल सोसाइटी में ही पॉसिबल है, जंगल में नहीं. क्योंकि जंगल में हर व्यक्ति को जिसको जो करना होता है वो करता है, वो दूसरे की लिबर्टी या दूसरे की फ्रीडम के बारे में विचार नहीं करता है. तो लिबर्टी कहाँ पॉसिबल है? लिबर्टी सिविल सोसाइटी में पॉसिबल है. स्टेट ऑफ एनार्की कैन नेवर बी अ स्टेट ऑफ लिबर्टी. अराजकता की स्थिति के अंदर लिबर्टी नहीं हो सकती. ऐसी स्थिति जहां पर कोई भी कानून नहीं है, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वहां पर लिबर्टी नहीं हो सकती. लिबर्टी इज फॉर ऑल. लिबर्टी मीन्स फॉर प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर एज कैन इनेबल देम टू यूज देयर राइट्स. लिबर्टी सभी लोगों के लिए होती है. ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें हर व्यक्ति अपने राइट्स को यूज कर सके. इन सोसाइटी लॉ इज असेंशियल कंडीशन ऑफ लिबर्टी. लॉ मेंटेन्स कंडीशन विच आर असेंशियल फॉर एंजॉयमेंट ऑफ लिबर्टी बाय ऑल द पीपल ऑफ द स्टेट. लिबर्टी द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ द राइट्स. इट इज द कंडीशन एंड द मोस्ट असेंशियल राइट ऑफ द पीपल. लिबर्टी एंजॉय प्योरिटी नेक्स्ट ओनली द राइट ऑफ लाइफ. In the contemporary times, the positive view of liberty stands for fully, universally recognized as the real, accepted and really productive view of liberty. इसका मतलब हर कोई व्यक्ति इस समय के अंदर वास्तविक रूप से अपनी liberty को, अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके, यही इस contemporary time में liberty का complete और universal meaning इसका यही है. Now, we will see the source of constraint. Liberty के ऊपर किस प्रकार की बाधाएं होती है, किस प्रकार के इस पर प्रतिबंध होते हैं, वो हम देख सकते हैं.
restrictions on the freedom of individual may come from domination and external controls. जो फ्रीडम के ऊपर जितने भी रेस्ट्रिक्शन होते हैं वो डोमिनेंस से आते हैं, एक्सटर्नल कंट्रोल से आते हैं, और ये हो सकते हैं इस प्रकार के, पॉलिटिकल हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के द्वारा कॉन्स्टेंट लगते हैं या प्रतिबंध होते हैं, वो किस प्रकार से, जिनके पास पैसा है वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर पाते हैं, इलेक्शन कर पाते हैं, या कई बार पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन में कई लोगों को इसलिए वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर पहले के समय के अंदर महिलाओं को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की परमिशन नहीं थी. मॉडर्न पॉलिटिक्स में लगभग सभी देशों के अंदर वुमेन्स को भी ये राइट मिला है कि वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सके. सेकंड जो कॉन्स्टेंट है वो होता है इकोनॉमिकली. इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से भी लोग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते हैं या अपनी इस फ्रीडम को वो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं. सोशल कॉन्स्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो सोसाइटी के अंदर अकॉर्डिंग टू कास्ट, कास्ट के हिसाब से, जाति के हिसाब से कई लोगों को उनकी फ्रीडम से वंचित रखा गया, उनको उनके अधिकार नहीं दिए गए और बाकी लोगों को कुछ स्पेशल राइट्स थे, प्रिविलेजेस थे, तो कास्ट बेसिस के ऊपर भी कॉन्स्टेंट लगते हैं. एंड द फोर्थ है कल्चरल कॉन्स्टेंट ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. कल्चरल बेस के ऊपर भी कई लोगों को उनका कल्चर फॉलो नहीं करने दिया जाता है और उस प्रकार के कॉन्स्टेंट के ऊपर लगाए जाते हैं. रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल मे कम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, सच रेस्ट्रिक्शन मे बी इम्पोज बाय द गवर्नमेंट. और जितने भी कॉन्स्टेंट है वो एक्सटर्नल कंट्रोल के थ्रू आते हैं या डोमिनेशन के थ्रू आते हैं और ये सब लगाए जाते हैं किसी भी सरकार के द्वारा. Why do we need constraint? कि लिबर्टी का मतलब अनलिमिटेड लिबर्टी नहीं होता है. We cannot live in a world where there is no constraint. We need some constraint as society would descend into chaos. हमें constraint इसलिए चाहिए ताकि सोसाइटी में chaos नहीं हो, अराजकता की स्थिति ना पैदा हो जाए. यानी हर कोई व्यक्ति जो कोई व्यक्ति करना चाहता है वो कर रहा है तो वो अगर दूसरे लोगों की लिबर्टी को वो नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए हमें constraint चाहिए होते हैं. Difference may exist between the people regarding their ideas, opinion. They may have conflict ambitions. They may compete to control scarce resources. लोग जो है उनके विचार अलग अलग हो सकते हैं पर सभी लोगों को अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होनी चाहिए. देयर आर न्यूमरस रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट्स मी डेवलप इन ए सोसाइटी विच मी एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू ओपन कॉन्फ्लिक्ट. किसी भी सोसाइटी में सभी लोगों को अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होनी चाहिए ताकि कि वो अपने विचार अगर दूसरों से अलग है तब भी उसको वो एक्सप्रेस कर सकें. लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रेंट एंड फ्रीडम टू एक्ट एज वन लाइक्स. हाउएवर इन सिविल सोसाइटी सच इज मीनिंग लिबर्टी इज टेकन टू बी नेगेटिव एंड हार्मफुल. इट इज ओनली अ जंगल दैट फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रेंट इज अवेलेबल टू एनिमल्स. ऐसा केवल जंगल में हो सकता है जहां आपको कुछ भी करने की आजादी है, आप कुछ भी करें और वहां आपको कोई नहीं रोकेगा. इन अ सिविल सोसाइटी नो पर्सन कैन बी रियली परमिटेड टू विदाउट रेस्ट्रेंट. किसी व्यक्ति को बिना रेस्ट्रेंट के नहीं परमिशन दी जा सकती. हेंस लिबर्टी इज टेकन टू मीन द एब्सेंस ऑफ नॉट ऑल रेस्ट्रेंट्स बट ओनली दोज रेस्ट्रेंट्स विच आर हेल्ड टू बी इरेशनल. केवल ऐसे रेस्ट्रेंट जो कि इरेशनल है, जो कि लॉजिकल नहीं है, केवल उन्हीं को हटाया जाना जरूरी है. In the next video, we will discuss then liberty versus freedom. Thank you.